पुलिस के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दे रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया ऐलान, आने वाले समय में विधानसभा के क्षेत्र में जरूर आएंगे, सत्र को छोड़ किसी भी सरकार के आयोजनों में नहीं लेंगे भाग। विपक्ष ने बताया अध्यक्ष के बर्ताव से हमें आहत, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विधानसभा के सत्र में वो जरूर आएंगे, सत्र को छोड़ किसी भी सरकार के आयोजन में वो नहीं भाग लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा ऐलान, आने वाले समय में विधानसभा के सत्र में वो जरूर आएंगे लेकिन सत्र को छोड़कर किसी भी आयोजन में वो भाग नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बड़े बड़े बोल है इनके, बड़े बड़ा ऐलान इनके द्वारा किया गया है। विपक्ष जो है, आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने। मत करें, अटल जी ने कहा था कि हमने आज ये तय किया है, पूरे विधायक दल ने बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने, कि आने वाले समय में हम विधानसभा के सत्र में जरूर भाग लेंगे लेकिन विधानसभा के अंदर सरकार के किसी आयोजन में या विधानसभा के किसी अन्य आयोजन में हम भाग नहीं लेंगे। और हम अध्यक्ष जी के व्यवहार से बहुत दुखी आहत। सामान्य रूप से यह नहीं होता, हिंदुस्तान के किसी विधानसभा में नहीं होता, लोकसभा में नहीं होता। और हम सत्ता पक्ष के लोगों को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का सम्मान करना सीखें, प्रजातंत्र का अपमान मत करें। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। हम प्रजातंत्र के पक्षधर हैं, लोकतंत्र के पक्षधर हैं। और इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या संख्या बल के आधार पर नहीं होना चाहिए, यह हमारा मत है। और आज हम अध्यक्ष जी के व्यवहार से बेहद दुखी हैं, आहत हैं। चलिए के साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, छत्तीसगढ़ के राजनीति के गलियारों में एक बार फिर से हलचल मच गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विधानसभा के सत्र में वो जरूर आएंगे लेकिन और किसी सरकारी आयोजनों में नहीं आएंगे। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने संयुक्त विपक्ष के साथ ऐलान किया है कि आने वाले समय में विधानसभा के सत्र में जरूर आएंगे लेकिन सत्र को छोड़कर सरकार के किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष के बर्ताव से उन्हें आहत हुआ है और विधानसभा, उन्होंने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से शुरू हुआ था, पहले ही दिन से सरकार का रवैया विपक्ष के लिए सही नहीं था। विपक्ष ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है और विपक्ष के सदस्य जब सदन में अध्यक्ष की सहमति से जब कोई प्रश्न करते थे या मुद्दा उठाते थे तो सरकार के मंत्री और सरकार के सदस्य जोर जोर से हल्ला और नारेबाजी करने लगते थे। तो उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को मिला है जब विपक्ष के सदस्य किसी मुद्दे को उठाते हैं अध्यक्ष की अनुमति से, तो सत्ता पक्ष के मंत्री प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण काल से बंधित करते और हल्ला करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हमने रायपुर से बताई, जहाँ नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ विधानसभा के सत्र में ही शामिल होंगे, उसके अलावा कोई भी सरकारी आयोजनों में वो शिरकत नहीं करेंगे।